सो आप सभी का स्वागत है फैक्ट विद ब्लॉग के एक नए वीडियो में। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गुजरात गैस सर्कल से रिंग रोड होते हुए, पहले तो आठवा लाइन जाएंगे, उसके बाद रिंग रोड होते हुए सूरत स्टेशन को जाने वाले हैं। तो पूरा रूट मैं आपको दिखाऊंगा और क्या आपको पूरा ओवरऑल व्यू मिलता है वो आपको देखने को मिलेगा। जो सूरती हैं उनको आपको पता ही रहेगा, जो सूरत के बाहर के लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस तरीके से वीडियोज़ देखने के लिए, उनको काफ़ी सहूलियत मिल जाएगा। आपको अगर सूरत सेटल होना है या इस तरीके से कुछ प्लानिंग है तो ये बेसिकली जो सर्कल आप देख रहे हैं इसे गुजरात गैस सर्कल कहते हैं। तो बेसिकली गुजरात गैस का यहाँ पे आपको मेन ऑफिस मिलेगा, इस वजह से इसे गुजरात सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम जाएंगे तापी रिवर होते हुए आठवा लाइन की तरफ, बेसिकली आठवा गेट कह लीजिए या फिर आठवा लाइन कह लीजिए, दोनों ही कहा जाता है। तो इस तरीके से पूरा ओवरऑल व्यू आपको मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत ये चौराहा आपको मिलेगा, सर्कल मिलेगा। आगे हम तापी को क्रॉस करते हुए आठवा गेट पहुंचने वाले हैं, उसके बाद जो सूरत टेक्सटाइल पूरा मंडी हब है, जो पूरा आप कह लीजिए कि सूरत टेक्सटाइल डिस्ट्रिक्ट, वो पूरा एरिया मैं आपको दिखाऊँगा, जो कि उधना दरवाज़ा से स्टार्ट होकर सहारा दरवाज़ा तक पूरा रहता है। वो बहुत बड़ा मार्केट है टेक्सटाइल मार्केट, बेसिकली सूरत अपने डायमंड और टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। तो ये जो पूरा आगे एरिया, ये बेसिकली तापी रिवर है, ये तापी रिवर पे ये ब्रिज बना हुआ है, इसी के नीचे ये रिवर फ्रंट भी है और इसके पास में आपको स्वामीनारायण मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो सूरत के जो भी जैसे कि पुलिस कमिश्नरी या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो सारी चीज़ें आपको आठवा लाइन के पास ही देखने को मिलेगा, और भी काफ़ी सारे अथॉरिटीज़ के ऑफिसेस वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको व्यू देखने को मिलेगा, बस आप वीडियो में बने रहिए और मैं आपको दिखाऊंगा अभी सूरत का टेक्सटाइल मंडी किस तरीके से है, मार्केट का नाम भी आपको बताऊंगा और कौन सी मार्केट में क्या फेमस है, किस तरीके से आप यहाँ से परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं, वो भी मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। इसे फ्लाईओवर सिटी कहा जाता है, यहाँ पर आपको 118 या फिर 120 फ्लाईओवर यहाँ भी ऑपरेशनल हैं और काफ़ी सारे आपको प्रोजेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिसका काम चल रहा है। तो ये पूरा इस तरीके से लोकेशन, हम तापी रिवर को अप्रॉक्स क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से हैं, अगर जो आप लेफ्ट साइड से फ्लाईओवर आप अगर चढ़ के आते हो तो आप सीधे आठवा लाइन को क्रॉस करते हुए आप रिंग रोड पर निकल जाओगे, और अगर आप जिस रूट से मैं आ रहा हूँ उस रूट से आप आते हो तो आठवा लाइन जो आठवा गेट है वो सर्कल पे आप लैंड करोगे। बेसिकली यहाँ पे एक प्लेन चौराहा है, मतलब प्लेन का आपको यहाँ पे स्टैचू मिल जाएगा, तो कुछ लोग इसे प्लेन चौराहा भी कहते हैं या फिर आठवा गेट कह लीजिए आप, इस तरीके से रहने वाला है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये चौराहा मिलेगा। वैसे तो सूरत बहुत ही बढ़िया शहर है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे ट्रैफिक का मैनेजमेंट नहीं है, आपको सिग्नल वगैरह फॉलो कोई नहीं करता यहाँ पे, बाकी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ये देखिए इस तरीके से पूरा व्यू मिलेगा, BRTS भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, ऑलमोस्ट हर एक रूट पे आपको BRTS देखने को मिल जाएगा। और ग्रीनरी और व्यू किस तरीके से आ रहा है वो आप देख लीजिए, बहुत अच्छा व्यू आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये फ्लाईओवर सिटी है, आपको हर एक जगह फ्लाईओवर, आप यूँ कह लीजिए अगर आप गुजरात गैस सर्कल के पहले से आप अगर आप चलते हो स्टेशन के लिए तो नॉन स्टॉप बिना किसी भी चौराहे पे आप पहुँचे, आप पूरा सिग्नल फ्री होते हुए आप सूरत स्टेशन तक पहुँच सकते हैं, जिसमें 5 से 7 फ्लाईओवर क्रॉस करना पड़ेगा, बैक टू बैक आप क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे 3 मल्टी लेयर फ्लाईओवर भी है जो कि सहारा दरवाजा पे है, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो बस आप वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, इस तरीके से वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे एरिया बेसिकली,
यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं बीजेपी का आपको ऑफिस देखने को मिल जाएगा, और यहीं पे सासू माँ करके एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही फेमस है। आप गुजराती अगर आप इंटरेस्टेड हैं फूड के लिए, बेसिकली थाली के लिए, तो आप एक बार सासू माँ ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरे तरीके से रजवाड़ी एक ट्रेडिशनल तरीके से आपको सर्व किया जाता है, और जो पूरा गुजरात का टेस्ट है, जो भी फेमस है, वो सब कुछ आपको उस थाली में देखने को मिलेगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम ये देखिए, तो आगे अभी रिंग रोड, जैसे कि मैंने आपको बताया, वैसे तो ये रिंग रोड पे हम आ चुके हैं, लेकिन जो टेक्सटाइल मार्केट है वो आपको मैं दिखाऊंगा पूरा, बहुत ही बढ़िया। मेट्रो का भी काम यहाँ पे बहुत ही तेजी से चल रहा है, 2025-26 तक जहाँ तक उम्मीद है कि चालू हो जाएगा। दो यहाँ पे लाइन अभी बनाए जा रहे हैं, आगे अभी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मेट्रो का काम चल रहा है, वो भी देखने को आपको मिल जाता है। अगर रिंग रोड की बात की जाए तो रिंग रोड पे होने वाला है मेट्रो स्टेशन, कामेला दरवाजा का मेट्रो स्टेशन होने वाला है, जो कि और साथ ही यहाँ पे आपको ये देखिए, ये पूरा व्यू आप देखिए, देख सकते हैं आप, फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर आपको देखने को मिल रहा है। आप एक से नीचे उतरोगे तो पे चढ़ने को मिलेगा, इस तरीके से पूरा है ये पूरा रोड। जितना ये पूरा रिंग रोड हम चलने वाले हैं, इस पे सब जगह आपको हम फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर ही लेके चलने वाले हैं। अगर हम नीचे से जाएंगे तो बहुत ही ट्रैफिक और रश होता है पूरे दिन, क्योंकि मार्केट का एरिया हो जाता है। यहाँ पे मार्केट का मीनिंग होता है कि टेक्सटाइल मार्केट की हम बात कर रहे हैं। आप किसी भी एरिया में, अगर आप सूरत में रहते हैं, वहाँ पे आप ऑटो या फिर ओला कैब, उबर, टैक्सी जो भी है, या बस, अगर मार्केट का जिक्र होता है तो 90% आप समझ के चलिए कि टेक्सटाइल मार्केट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये मर्जिंग हो रहा है हमारा ट्रैफिक का। ये जो आप अभी देख रहे हो, ये फ्लाईओवर से जो हम आए हैं, ये बेसिकली घोड़दौड़ रोड से ये मर्ज हुआ है। घोड़दौड़ रोड से अगर आप चलते हैं, या फिर आप परत बाडे टू कैनाल वेसू रोड से आप आते हैं, तो मर्ज हो सकते हैं आप रिंग रोड पे, तो यहाँ से आप इंटरचेंज करते हुए आप यहाँ से आ सकते हैं। घोड़दौड़ रोड बेसिकली एक शॉपिंग का हब है, वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, वो हर एक कैटेगरी के आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे, वो चाहे कपड़े के हों, चाहे फुटवेयर लाइन के हों, या ज्वेलरी हो, कुछ भी आप समझ सकते हैं, आपको घोड़दौड़ रोड पे देखने को मिल जाएगा। शॉपिंग अगर आपको एक प्रीमियम क्लास में शॉपिंग परचेजिंग करना है, कुछ भी हो सकता है, आप एक बार घोड़दौड़ रोड जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, तो यहाँ पे एक इंटरचेंज होने वाला है, जो कि आगे मैं आपको बताता हूँ क्या स्टेशन का नाम है। ये देखिए, ये पूरा आप एरिया देख सकते हैं, आगे उतना दरवाज़ा भी आने वाला है, उतना दरवाज़ा भी बहुत ही फेमस एक एरिया है और लैंडमार्क है, जहाँ से आप काफ़ी सारे एरियाज में आप जा सकते हैं। उतना दरवाज़ा से बहुत बड़ा लैंडमार्क है ये, हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं उतना दरवाज़ा की तरफ, और ये उतना दरवाज़ा के फ्लाईओवर पे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिसेस और इंस्टीट्यूट वगैरह देखने को आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एक मॉल भी है, जिसे रिलायंस मॉल मॉल के नाम से जाना जाता है, तो रिलायंस मॉल आपको देखने को मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं। बेसिकली टेक्सटाइल मार्केट का फ्लाईओवर हम आगे से जो है हमें देखने को मिलेगा, और उस पर हम चढ़ने वाले हैं। इस तरीके से पूरा आपको व्यू, हमारी जो भी त्रुटि होती है उसे आप जो है साइड करके आप वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। टेक्सटाइल मार्केट के फ्लाईओवर को हम ऊपर चलते हुए नीचे से अगर आप जाएंगे तो आप कामेला दरवाजा पहुंच जाते हैं, ये इस तरीके से। आगे जो भी मार्केट आएंगे उनके मैं आपको नाम भी बताऊंगा, और किस तरीके से मार्केट है उसकी कुछ जानकारी भी मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बस वीडियो में आप बने रहिए। रिंग रोड की बात की है तो यहाँ पे जैसे कि आप रिंग रोड पे जो मार्केट देखते हैं, ये तो ये फ्रंट व्यू हो गया। इसके साथ ही अगर आप दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, बहुत सारे मार्केट होने वाले हैं। अगर आप जैसे कि जहाँ पे अभी से एक मार्केट हो गया है सालासर गेट के अंदर, आप अगर आप जाते हैं, या फिर कामिला दरवाजा के अंदर अगर आप जाते हैं, तो बहुत सारे मार्केट आपको बहुत बड़े बड़े देखने को मिल जाते हैं। और ऐसे ही सलाबतपुरा साइड आप जाते हैं, या रोहित एसी मार्केट के पीछे वाले जो सारे मार्केट हैं वो आपको देखने को मिल, जहाँ पे RRTM ये सारे मार्केट है, RKPL और RKPL तो सरोली में जाता है,
RRTM आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये पूरा मार्केट एरिया यहाँ से लगना स्टार्ट हो जाता है, तो रोहित के पीछे या फिर हरिओम के पीछे जो सारे मार्केट हैं जिसमें पशुपति वन और शुभम मार्केट और इस तरीके से हरिओम मार्केट की लाइन में बहुत सारे अप्रॉक्स 20 से 25 टेक्सटाइल मार्केट, हिडन मार्केट आप कह सकते हैं, वहाँ पे बहुत ही पुरानी पुरानी दुकानें आपको मिल जाती हैं, वहाँ पे भी आप शॉपिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप कामेला दरवाजे के अंदर जो सारे मार्केट हैं वो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अभिषेक मार्केट साइड भी आप जा सकते हैं, बहुत सारे हिडन मार्केट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अशोका टावर हो गया या फिर गुडलक हो गया, श्री महावीर टेक्सटाइल मार्केट हो गया, और भी बहुत सारे मार्केट हैं। तो ये अभी हम कामेला को क्रॉस करते हैं, मिलेनियम को भी हमने क्रॉस कर दिया, MG मार्केट आ गया, महात्मा गांधी मार्केट, और इधर आपका पूरा रिंग रोड चल रहा है, यहाँ पे आदर्श वन आदर्श टू आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप परचेजिंग किसी भी प्रकार से आते हैं तो ध्यान देना, बहुत सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना होता है, यहाँ पे ऐसे परचेजिंग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको यहाँ पे, और जैसे कि एजेंट ब्रोकर वो सारे चीज़ आपको देखना रहता है यहाँ पे। JJC मार्केट बहुत ही बड़ा मार्केट है। अब यहाँ पे देखिए मल्टी लेयर का फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लेफ्ट से जाते हैं तो आप कड़ोदरा रोड पे जाते हैं, थोड़ा सा कैमरा व्यू आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 लेयर का आपको पूरा देखने को मिल जाता है। देखिए आप लेफ्ट साइड का जो फ्लाईओवर आप अगर उस पर चढ़ते हैं, यानी कि एक रोड से आपको 3 जो है रोड निकलने वाली है आगे से, जैसे कि हम निकले हैं तो लेफ्ट से अगर आप निकलते तो कड़ोदरा निकलते, बीच से अगर आप निकलते तो सहारा दरवाज़ा नीचे उतरते, और राइट साइड से जो हम निकले हैं जिस रोड से, इससे आप सहारा दरवाज़ा चौराहे को क्रॉस करते हुए स्टेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ऐसे ही आपको उस साइड भी देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा एक बहुत बढ़िया जंक्शन बना है यहाँ पे, पूरे फ्लाईओवर का चारों तरफ जाल जैसा आपको देखने को मिलता है। अगर आप बर्ड व्यू देखते हैं या फिर आप ड्रोन व्यू देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या आपको व्यू मिल जाता है। देखिए ये सहारा दरवाजे का पूरा लैंडमार्क एरिया है, ये एक बैंक का कॉरपोरेट ऑफिस भी यहाँ पे अवेलेबल है, और साथ ही ये सुराना 101 है जो कि न्यूली अभी इस ये ओपन हुआ है ये टावर, और इसमें भी काफ़ी सारे आपको जो है शॉप आउटलेट वगैरह देखने को मिल जाएंगे, शोरूम वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। और भविष्य की क्या प्लानिंग है, उसमें कैसे क्या होता है उसका हमें आइडिया नहीं है। तो आगे हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा पूरा व्यू, और ये हम नियर अबाउट पहुँचने वाले हैं दिल्ली गेट। दिल्ली गेट भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, जहाँ से आप स्टेशन भी जाएंगे और चौक एरिया भागल एरिया भी आप जाएंगे, जो कि पुराना सूरत ओल्ड सूरत, जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े मार्केट हैं, जो भी आपके पुराने सारी चीज़ों अगर आपको परचेजिंग करना है तो आप चौक भागल ही जाना पड़ेगा। ये गोल्डन टावर वगैरह यहाँ पे जापान मार्केट और एक दो और मार्केट हैं जहाँ पे सारे मॉडलिंग के काम होते हैं, ठीक है। और यहाँ से पूरा बेसिकली होटल इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, सूरत में बहुत सारे होटल आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि बिजनेस एक सिटी है, तो यहाँ पे होटल बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, और खाने पीने की भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, होटल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, और एक बजट फ्रेंडली हैं, आपको 600, 700, 800 या 1000 रुपये के अप्रॉक्स AC non-AC एक अच्छा आपको होटल मिल जाएगा यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स अवेलेबल हैं, होटल की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और साथ ही खाने की भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पूरे इंडिया एक बार आप घूम लीजिए, उसके बाद आप सूरत आइए, और रहने और खाने में आपको सूरत में दिक्कत नहीं होगी। खाना यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे खाने इतने अच्छे बजट में मिल जाएंगे कि आप बाकी शहर से कंपेयर नहीं कर सकते। खाने की क्वालिटी हो गई, शुद्धता हो गया, और साफ़ सफाई, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा व्यू बेसिकली दिल्ली गेट एरिया, ये भी हमने फ्लाईओवर को क्रॉस करते हुए सीधे स्टेशन को निकल रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर आप नीचे से जाते तो दिल्ली गेट जाते तब भी आप स्टेशन पहुंच सकते थे, लेकिन दिल्ली गेट का चौराहा को क्रॉस करते हुए ऊपर से हम जाते हैं। अगर आप लेफ्ट ले रहे हैं तो स्टेशन पहुंच रहे हैं, अगर आप ऊपर यहां पे राइट लेते तो आप कतारगाम की ओर निकल जाते हैं। तो ये पूरा इस तरीके से कॉन्सेप्ट है कि यहां पे फ्लाईओवर मैंने आपको दिखाया कि कितने सारे फ्लाईओवर हैं, अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो अप्रॉक्स 8 से 10 फ्लाईओवर को हमने क्रॉस करते हुए अभी हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं। आगे का मास्टर प्लान है कि ये सूरत स्टेशन को
बहुत ही बड़ा स्टेशन बनाने का प्लानिंग है। अगर आपने देखा होगा तो रेलवे मंत्रालय के थ्रू इसका जो है पूरा प्रपोजल आ चुका है, काम भी शायद चालू ही हो गया होगा। तो ये पूरा इस तरीके से एरिया, स्टेशन एरिया, ये सारे यहाँ पे होटल, बड़े बड़े अच्छे अच्छे होटल्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। हर बजट आपको 20 से 25 हज़ार रुपये वाले भी होटल अवेलेबल हैं और बजट वाले भी अवेलेबल हैं, 1500-2000 वाले भी। तो ये वीडियो कैसा लगा आप एक बार अपने सुझाव साझा कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मेरे त्रुटि के लिए आप उसको साइड करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं सिर्फ। और जो भी आपके मन में सुझाव या फिर कुछ भी है तो आप वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें आप मोटिवेट कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए। आपको इस तरीके से वीडियोज अगर पसंद है तो एक बार आप कमेंट करिए कि ऐसे ही और